दिल्लीच्या प्रदूषणावरून राजकारण आता तापतंय. केजरीवाल यांनी दिल्लीच्या प्रदूषणासाठी हरियाणा आणि पंजाबला दोषी धरलंय, परंतु हरियाणाचे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यांनी तीनही राज्यांनी समन्वयानं हा प्रश्न सोडवावा अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. यावरून दुष्यंत चौटाला हे राजकारण न करता संतुलित भूमिका घेत आहेत हे दिसून येत आहे. दिल्ली कहती है कि हरियाणा से आग लग रही है. हैरानी की चीज है कि इसके अंदर आप देखोगे पानीपत से लेकर करनाल, सिरसा, ये तमाम जिले जो हमारे पंजाब के बॉर्डर पर है, इनके अंदर भी कुछ ज़्यादा मात्रा में नहीं स्टबल बर्निंग हो रही. अगर हो रही है तो उसके अंदर डाटा ये बताता है कि पंजाब के हिस्सों पर हो रही है, और पंजाब से हरियाणा के ऊपर से अगर इस तरह की क्लॉगिंग आती है तो मेरे को लगता है दिल्ली से ज़्यादा रिस्क हरियाणा पर. और ये कोई ड्रग ट्रैफिकिंग की तरह नहीं है कि बॉर्डर सील कर देंगे और ये चीज़ रुक जाएगी. ये तो एनवायरमेंटल इशू है. कोई भी चीज़ पंजाब से अगर बाय एयर दिल्ली की ओर आती है तो उसका कोई ना कोई एनवायरमेंट का टेक्निकल कारण होगा, जिसके ऊपर मुझे लगता है हमें मिलकर कदम उठाने चाहिए. शॉर्ट टर्म नहीं, हमें कदम उठाने पड़ेंगे लॉन्ग टर्म, जो आगामी एक साल के अंदर ये चीज़ हमें दोबारा देखने को ना मिले. इसके अंदर डाटा ये भी बताता है कि पिछले साल से लगभग 34% स्टबल बर्निंग हरियाणा के अंदर कम हुई है, और ये प्रयास है कि इसको और कम किया जाए. मगर कैसे कदम उठाए जाएंगे तो जॉइंटली केंद्र सरकार के प्रयासों से NCR संबंधित चारों स्टेट्स साथ में, क्योंकि पंजाब एक अपने आप में की रोल प्लेयर है, उनके साथ चर्चा करेंगे.